अस्सलाम वालेकुम जी, सी डी पी प्रॉपर्टीज़ से मैं हूं अली हैदर। व्यूअर्स, आज हम डिस्कशन करेंगे स्पेसिफिकली विक्टोरिया सिटी में कि विक्टोरिया सिटी की जो डील लॉन्च की गई है वहां पर कौन सी ऐसी कैटेगरी है कि जिस पर सबसे ज़्यादा जो है वो ऑन आने के चांसेस हैं और जिसकी नॉर्मली सबसे ज़्यादा जो है वो मार्केट में रिक्वायरमेंट है। तो कुछ इस हवाले से आज की वीडियो में डिस्कशन की जाएगी। तो व्यूअर्स, जैसे कि आपको आइडिया है कि 5 लाख कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं जो विक्टोरिया सिटी में दिए गए हैं वो सारे के सारे एक तो मेन बुलेवर्ड के ऊपर हैं और कोई भी ऐसा कमर्शियल प्लॉट नहीं है जो कि बैक हो या कोई बाउंड्री के पास में रेड एंड पे हो। सारे के सारे मेन बुलेवर्ड के ऊपर हैं। सोसाइटी 2 साइड ओपन है, एक साइड से मुल्तान रोड से अप्रोच है, दूसरी साइड से कनाल रोड से अप्रोच है। सारे के सारे कमर्शियल बहुत ही अच्छे लोकेशन के हैं और मेन बुलेवर्ड के ऊपर हैं, ठीक है जी। तो इसीलिए नॉर्मली जो है वो कमर्शियल की यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तो डिमांड है, दूसरा कमर्शियल एक है बहुत लिमिटेड से, ठीक है जी। तो जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो है कमर्शियल प्लॉट को कंसिडर किया जा रहा है। और अगर इसी के साथ साथ अगर विक्टोरिया सिटी के कमर्शियल को थोड़ा सा अगर पहले आ जाए तो बैजी टाउन के जो कमर्शियल हैं उनको अगर कंसिडर किया जाए तो बैजी टाउन में जिस वक्त जो है मेन बुलेवर्ड के कमर्शियल तकरीबन 12 करोड़ तक भी जा चुके हुए हैं। तो उस लिहाज से अगर आप उसको वो देखें, बेशक बैजिया के कमर्शियल जो है वो ऑन ग्राउंड डेवलप्ड है और ओवरऑल बेहतरीन है। फ्यूचर में अगर आप इसको देखें कि विक्टोरिया सिटी की जिस तरह की प्राइम लोकेशन है और जिस तरह से कनाल रोड और मुल्तान रोड से दोनों तरफ से जो अप्रोच दी गई है तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये भी एक अच्छी आपके लिए एक फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। और फ्यूचर में अगर आप इसको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेकर चलते हैं तो फ्यूचर में अगर आप कमर्शियल वगैरह भी कोई बनाते हैं या कोई मॉल भी यहाँ पर जो है वो लॉन्च करते हैं तो अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ आप उसको सेल भी कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आप जो है वो एक रीजनेबल फुटफॉल के साथ यहाँ पर कोई भी किसी तरह का भी कोई भी जो है वो बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि फुटफॉल ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट होना ही है, क्योंकि एक तो मुल्तान रोड से अप्रोच है, दूसरा किनार रोड से अप्रोच है और ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है वो फुटफॉल जनरेट होना ही है। तो इसी वजह से जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिक्वायरमेंट है 5 लाख कमर्शियल की। इसी तरह से अगर मैं रेट की बात करूँ तो नॉर्मली मार्केट में कुछ जगहों से आपको जो है वो ऑन डिमांडिंग की जा रही है, लेकिन सी डी पी प्रॉपर्टीज से अभी भी आपको जो है वो बुकिंग प्राइस के ऊपर ही जो है वो कमर्शियल प्लॉट दिए जा रहे हैं और वो भी सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि ये ऑप्शन जो है वो बहुत लिमिटेड सी हैं। और इसमें मुझे इस तरह से होगा कि अगर आप 5 लाख कमर्शियल प्लॉट परचेज करना चाहते हैं तो अभी आप अगर हमसे कॉन्टैक्ट करके बुकिंग करवाते हैं तो आपको बुकिंग प्राइस पर ही जो है वो कमर्शियल दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा दिन बाद कॉल करके कहेंगे कि हमें लेवल के ऊपर कमर्शियल चाहिए, लेकिन वो फिर हमारे लिए जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो अकॉर्डिंग टू जो है वो मार्केट सिचुएशन के मुताबिक जो है वो रेट्स जो है वो वेरी कर रहे होंगे। तो व्यूअर्स, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप एक रीजनेबल टाइम पर रहते हुए 5 लाख कमर्शियल प्लॉट को जो है वो परचेज करके उसको अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ शॉर्ट टर्म में जो है वो उसको रीसेल भी कर सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी की तरफ से बड़ा एक रीजनेबल टाइम दिया है आपके लिए कि आप उस कमर्शियल को ओपन रख सकते हैं, ठीक है जी। तो ऑटोमेटिकली एक रीजनेबल टाइम पर रहते हैं ट्रेडिंग करते हुए आप उसको अच्छे प्रॉफिट के साथ सेल भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ईद से पहले ही आपको मार्केट में 5 लाख कमर्शियल के ऊपर अच्छा खासा ऑन जो देखने को मिलेगा और बड़ी फास्ट टाइप पे यहाँ पे जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी होगी। तो यही टाइम है आपके पास, आप बुकिंग प्राइस के ऊपर जो है वो एक रीजनेबल लोकेशन के ऊपर बुलेवर्ड के ऊपर जो है वो 5 मिनट की एक प्राइम लोकेशन के ऊपर जो है कमर्शियल प्लॉट परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा ओवरऑल आपके माइंड में इस कमर्शियल प्लॉट्स के या किसी भी कैटेगरी के विक्टोरिया सिटी में आप प्लॉट परचेज करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इट्स www.cdbrealestate.com। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।